हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मिरर में स्वागत है। आज हम सेकंड लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का, हेलोइल्केन हेलोरेंस के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। आईपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का आज स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, टू क्लोरो थ्री मेथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाना, मतलब संरचना बनाना है। तो संरचना बनाने के लिए सबसे पहले रूट वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। रूट वर्ड मतलब होता है जो मुख्य श्रृंखला के कार्बन होते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, पेंट। पेंट का मतलब हो गया पांच कार्बन। पेंट का मतलब होता है पांच कार्बन, फाइव। यहाँ पे पांच कार्बन ऐसे बना लेंगे, एक दो तीन चार और पांच, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन है। तो पेंट का मतलब हो गया पांच कार्बन, एक दो तीन चार और पांच। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो ये साइड चेन है, ये मिथाइल, इसमें वाई एल लगा है, तुरंत पहचान जाएंगे कि साइड चेन है। मिथाइल 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 मतलब मेथ का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन होगा। किस पोजीशन पे है, तीन पे है, यानी तीन पे एक कार्बन ऐसे लगा देंगे साइड चेन। साइड चेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाई एल लगा है। वाई एल मतलब होता है पार श्रृंखला, ये पार श्रृंखला में वायल जुड़ जाता है, पार श्रृंखला हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टू क्लोरो है। टू क्लोरो का मतलब हो गया, ये जो क्लोरो है फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। किस पोजीशन पे है, टू पे है, तो दो पे क्लोरीन जोड़ देंगे, सीएल। अब बाकी सभी के बैलेंसी मेंटेन करेंगे। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, चार होती है। यहाँ पे एक है, तीन खाली है, तो तीन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, एक ऊपर एक इधर एक साइड में। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को ऐसे ना दिखाकर ऐसे भी दिखाया जा सकता है, CH3 हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी एक और दो है, दो खाली है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, दो होंगे, क्योंकि दो संयोजकता खाली है। यहाँ देखिए एक दो तीन, तीन संयोजकता मेंटेन है, इस कार्बन की एक खाली है, तो यहाँ सिर्फ एक एच लगेगा। यहाँ पे इस कार्बन की एक संयोजकता मेंटेन है, तीन खाली है, यहाँ पे H3 लग जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक दो तीन, तीन संयोजकता मेंटेन है, तीन बैलेंसी मेंटेन है, एक खाली है, तो यहाँ पे एक एच लगेगा। इसके पास क्या है, एक मेंटेन है, तीन खाली, यहाँ थ्री हो जाएगा। और सीएल की संयोजकता एक ही होती है, तो ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। अब ये पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, टू क्लोरो थ्री मेथाइल पेंटेन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ लिखा है वन क्लोरो फोर एथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब हो गया, हेक्स मतलब छः कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डिंग। तो छः कार्बन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एन सिंगल बॉन्ड से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे वन, वन पे क्या है, क्लोरो, क्लोरो क्रियात्मक समूह है, पहले वाले कार्बन पे वन पे जुड़ा है सीएल। चार पे एथाइल है, यानी पहला कार्बन हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। चार नंबर कार्बन पे एथ है, एथ मतलब दो कार्बन, एक और दो, और बाकी वन पे क्लोरो था ही। अब सभी कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करेंगे, कितना, चार होता है एक, इसका एक दो तीन है, एक खाली है, तो यहाँ एच होगा। यहाँ पे एक दो, तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, टू। एक दो यहाँ क्या होगा, टू। यहाँ एक दो तीन, यहाँ क्या होगा, एच। एक दो यहाँ क्या होगा, टू। यहाँ क्या होगा, थ्री। यहाँ देखिए एक दो है, दो वैलेंसी खाली है, टू हो जाएगा। यहाँ पे छः नंबर कार्बन पे दो वैलेंसी मेंटेन है, दो खाली है, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो निम्नलिखित यौगिक की जो संरचना लिखना था, वन क्लोरो फोर एथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, फोर टर्सरी ब्यूटिन थ्री आइडोहेप्टेन। टर्सरी और सेकेंडरी, टर्सरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, टर्सरी मतलब होता है तृतीयक, और सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक, और प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। इनका ये मतलब है कि कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़े होते हैं उसी को कहते हैं उसकी डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलग से हम समझाएं तब जाके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये एक डिग्री माना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। ये भी क्या है, एक डिग्री का है। अगर मान लो कोई भी कार्बन है डायरेक्ट दो कार्बन से वो जुड़ा हुआ है,
ये वाला बीच वाला कार्बन जो है 2 डिग्री का है और किनारे के दोनों कार्बन क्या है 1 डिग्री के, तो ये 2 डिग्री को कहते हैं द्वितीयक सेकेंडरी। और कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन है, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री माने जाते हैं, इसको कहते हैं तृतीयक। ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, ये क्या है प्राथमिक है। तो जो प्राथमिक होते हैं उनको 1 डिग्री कहते हैं, जो द्वितीयक होते हैं उनको 2 डिग्री माना जाता है, जो तृतीयक होते हैं उनको 3 डिग्री माना जाता है। 1 डिग्री का मतलब होता है कोई भी कार्बन परमाणु डायरेक्ट एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 डिग्री का मतलब होता है कोई भी कार्बन परमाणु डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 डिग्री का मतलब होता है कोई भी कार्बन परमाणु डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसको 3 डिग्री कहते हैं या तृतीयक कहते हैं। तो इसको प्राथमिक, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब हुआ 7 कार्बन, मेथेन प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्ट मतलब हो गया 7 कार्बन, एन मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे 7 कार्बन लिखेंगे, 1 2 7 कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन लिखने के बाद ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन हो गए। इसके बाद यहाँ लिखा है 3 आयोडो, यानी 3 नंबर पे आयोडीन जोड़ना है, 3 नंबर पे क्या जोड़ देना है आयोडीन, 3 आयोडीन जोड़ दिए। इसके बाद लिखा है 4 टर्शरी ब्यूटिल, 4 टर्शरी ब्यूटिल का मतलब हो गया जो भी ब्यूटिल होगा वो 3 डिग्री का होगा, 3 डिग्री मतलब कोई भी कार्बन परमाणु 3 डिग्री का ऐसे होगा, कार्बन की संख्या मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री का हो गया। कार्बन की संख्या इसमें टोटल कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथेन प्रोप और ब्यूट, ये हो गया ब्यूटिल, ये क्या हो गया ब्यूटिल। कार्बन की संयुक्तता 4 होती है, 3 मेंटेन है, 1 2 3, 1 खाली है, तो ये जो इसकी वैलेंसी 1 खाली है यही जाके 4 नंबर वाले कार्बन पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, ऐसे यहाँ पे सी फिर सी फिर सी फिर सी, तो इसी पूरे ग्रुप का नाम है टर्शरी ब्यूटिल, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है टर्शरी ब्यूटिल, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है टर्शरी ब्यूटिन। टर्शरी क्यों कहा है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। ब्यूटिल क्यों है, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, मेथेन प्रोप और ब्यूट, इस पूरे कार्बन की संख्या कुल 4 है इसलिए ब्यूटिल है, और टर्शरी इसलिए क्योंकि ये 3 डिग्री रखता है। अब इनकी कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करेंगे, यहाँ पे 1 है, 3 खाली है, तो यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, 1 खाली है, 1 2 3, तो यहाँ एच होगा, यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली थी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3। तो ये होगा स्ट्रक्चर इसका 4 टर्शरी ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन का, 4 टर्शरी ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है 1,4-dibromo-butene, यहाँ ब्यूट है, ब्यूट का मतलब हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट मतलब कुल 4 कार्बन, 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन बना लिए। अब 4 कार्बन में जो है 2 नंबर पे इन है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, तो 2 नंबर पे क्या हो गया डबल बॉन्ड आ गया। तो जैसे ही 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड लगा दिए, 1 और 4 यानी पहले और चौथे पर क्या होगा ब्रोमो होगा, डाई मतलब 2 बार, तो पहले वाले कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ देंगे और चौथे वाले कार्बन पे क्या कर देंगे ब्रोमीन जोड़ देंगे। अब बाकी कार्बन की बैलेंसी मेंटेन करेंगे, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 खाली है, तो 2 इस कार्बन देखिए, 1 2 3, तो यहाँ सिर्फ एच होगा, 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा एच, यहाँ पे 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, CH2, तो 1,4-dibromo-butene इनका भी हो गया कंप्लीट। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methyl-benzene, इस बेंजीन का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक, एरोमेटिक जो होता है चक्रीय यौगिक होता है,
चक्रीय यौगिक जो होगा छह कार्बन का बनेगा, इसमें छह कार्बन ये इस तरीके से होगा, छह कार्बन का चक्रीय यौगिक, एक दो तीन चार पांच और छह, छह कार्बन हो गए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, यानी यहाँ डबल बॉन्ड एक को छोड़ फिर डबल बॉन्ड फिर एक को छोड़ के डबल बॉन्ड, या कहीं कहीं ऐसे होता है एक सर्कल बना देते हैं, उसका मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए। तो चाहे जो करेंगे दोनों सही हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या साइक्लिक लगा देंगे। तो ये होता है बेंजीन। बेंजीन अब टू नंबर पे मिथाइल, वन नंबर पे ब्रोमो, यानी ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा। पहले नंबर पे ब्रोमीन है तो पहले नंबर पे क्या कर देंगे, ब्रोमो जोड़ देंगे। फोर सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी अगर, सेकेंडरी का भी मतलब हम बताएं द्वितीयक। द्वितीयक मतलब होता है कोई भी कार्बन परमाणु डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ना चाहिए। मान लीजिए कोई कार्बन परमाणु है, ये कार्बन है, इसे डायरेक्ट दो कार्बन जोड़ दिए, दो कार्बन जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, दो डिग्री का तैयार, दो डिग्री हो गया इसका। अब इसकी ब्यूटिल बोला है तो मेथ हेथ प्रोप, यानी ये दो डिग्री का है तो एक कार्बन और हम बढ़ा देंगे। अब कार्बन संयोजकता कितनी होती है, चार, तो यहाँ पे क्या होगा थ्री, यहाँ पे एक दो है तो यहाँ पे एच करके इसका एक वैलेंसी खाली कर देंगे, यहाँ पे एक दो, यहाँ क्या कर देंगे टू, यहाँ क्या कर देंगे थ्री। अब इस दो डिग्री वाले, दो डिग्री वाले इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल, इसका नाम क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी मतलब दो डिग्री, ब्यूटिल मतलब चार कार्बन, एक दो तीन और चार। अब इसको किस पोजीशन पे लाना है, चार नंबर कार्बन पे, चार यहाँ पे है, इसी चार पे इसको ले आके सेट कर देंगे, यहाँ पे सी एच ऐसे आगे बढ़ा देंगे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ क्या होगा थ्री, तो कुल मिला के होगा फोर सेकेंडरी ब्यूटिल। वन पे ब्रोमो था और टू पे मिथाइल, यानी दो पे एक कार्बन जोड़ के हाइड्रोजन से क्या करेंगे वैलेंसी मेंटेन कर देंगे। वन वन ब्रोमो, फोर सेकेंडरी ब्यूटिल, टू मिथाइल और पूरा क्या चक्रीय यौगिक का नाम क्या है बेंजीन। तो ये एनसीईआरटी के फाइव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें जिसको कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको डिस्कशन और अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।